हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीरीज नंबर 1 है, जो स्पेशली हेल्पफुल होगा एसएसबी, यूजीसी नेट, सीयूईटी, इसके अलावा अलग अलग पीजी एंट्रेंस के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसमें पूछा जा रहा है ब्रिक्स की मेंबर कंट्री कौन नहीं है। इससे पहले कुछ चीजें हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स बनने से पहले उसका नाम ब्रिक था। क्या था? ब्रिक। ये जो वर्ड, ये जो टर्म कॉइन किसके द्वारा किया गया था? ये कॉइन किया गया था जिम ओ नील के द्वारा। किसके द्वारा? जिम ओ नील के द्वारा ये टर्म किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। आगे जाके ब्रिक ये बन जाता आपका ब्रिक्स, BRICS। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक जो एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था आपका 2009 में। साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है कब? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के अंदर जुड़ जाता है ये 2010 में, और इसके बाद इसका नामकरण हो जाता है ब्रिक्स। क्या हो जाता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो होस्टिंग इस साल कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका 2023 में साउथ अफ्रीका की द्वारा। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका की द्वारा। तो इसमें नॉट ए मेंबर कंट्री, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ब्राजील तो है, इंडिया भी है, रशिया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ब्रिटेन, जो कि मेंबर कंट्री नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज नॉट द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ स्टेट। नेसेसरी एलिमेंट ऑफ स्टेट, इनमें से कौन सा एलिमेंट स्टेट स्टेट का एलिमेंट नहीं है? पॉपुलेशन, रिलीजन, लैंड या गवर्नमेंट। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि स्टेट के हमेशा चार चार एलिमेंट होते हैं। देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट वन इज दैट पॉपुलेशन, सेकंड वन इज दैट लैंड, थर्ड वन इज दैट गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वन इज दैट क्या बनेगा आपका? फोर्थ ये बनेगा आपका सोवरेंटी। क्या बनेगा? सोवरेंटी। तो ये तो चार एलिमेंट है, पॉपुलेशन भी है, लैंड भी है, गवर्नमेंट भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियंस स्टेट का एलिमेंट नहीं होता है। लैंड की जगह में कभी आपका ये लिखा होगा टेरिटोरी। क्या लिखा होगा? टेरिटोरी लिखा होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मोस्ट मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कौन सी थ्योरी कहता है? इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, पेट्रियकल थ्योरी या मेट्रियकल थ्योरी। जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में जो थ्योरी कहता है, वो कहता है आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये क्या कहता है? स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। फोर्स थ्योरी क्या कहता है? फोर्स थ्योरी हमेशा कहता है यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स इट क्रिएट इट्स रिजल्ट ऑफ वॉर कहा भी जाता है। पेट्रियल की थ्योरी क्या होता है? हमेशा मेल डोमिनेट सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुषवाद जो कहा जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन में से किन ऑर्गेनाइजेशन का भारत एक मेंबर कंट्री नहीं है? एक है आपका सार्क, दूसरा है आपका एशियन, तीसरा है आपका WTO, चौथा है आपका UNO। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन, कब बना था ये? 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल में। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1967 में, जिसका हेडक्वार्टर है जाकर्ता इंडोनेशिया। ओके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में। यूएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसमें पूछा क्या है, इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत नहीं है? तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एशियन का। किसका? एशियन का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 1967 को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है आपका जाकर्ता इंडोनेशिया में। इसमें कौन कौन से कंट्री होते हैं? इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया। ये सारे कंट्री कहाँ आते हैं? आपका एशियन के अंदर आते हैं। बाकी सार्क की भी मेंबर है, WTO की मेंबर है, यूएनओ की भी मेंबर है भारत। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डेट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक कब देखने के लिए मिला था? 1962, 1963, 1965 या 1966? ये देखने के लिए मिला था आपको 1962 में। कब? 1962 में। इसका जो डेट पूछा जाता है कभी कभी, 16 अक्टूबर 1962 से 29 अक्टूबर 1962। ओके, ये कब देखने के लिए मिला था? ड्यू टू द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चला था किन किन के बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। इस पीरियड में आपको इसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर ही इज चेन, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? अरिस्टोटल के द्वारा, लॉक के द्वारा, या हॉब्स के द्वारा, या रूसो के द्वारा? एक क्या एक कहा गया था जे जे रूसो के द्वारा, जेन जेकब्स रूसो। इनकी एक फेमस किताब है, क्या नाम है? सोशल कंट्रैक्ट। क्या है? सोशल कंट्रैक्ट इनकी एक फेमस बुक है। उसी तरह अरिस्टोटल की भी एक फेमस बुक है, क्या है? द मेटाफिजिक्स। और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ओके, लॉक की एक बुक है ट्रू ट्रेटी ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनको फादर ऑफ लिबरल थ्योरी भी कहा जाता है, किनको? लॉक को। हॉब्स की एक बुक है, क्या है? लेविया था, इनकी एक फेमस बुक है ये। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लाटो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज, अकॉर्डिंग टू प्लाटो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज, मतलब प्लाटो के आधार पे एक बेस्ट स्टेट, एक आइडियल स्टेट के अंदर कितने पॉपुलेशन होना चाहिए? 10,000, 5,040 या आपका 20,000 या 5,000? इसका जो करंट आंसर जो बनने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5,040। प्लाटो की फेमस किताब है, क्या नाम है? द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। इनके आधार पे क्या है कि एक आइडियल स्टेट में कितने पॉपुलेशन होना चाहिए? 5,040 होना चाहिए। बट रूसो की अकॉर्डिंग कितना होता है? रूसो की अकॉर्डिंग क्या है? एक आइडियल स्टेट के अंदर 10,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। हाँ, मैंने देयर आर 10,000 पॉपुलेशन इन आइडियल स्टेट। किसके आधार पे? ही रूसो के आधार पे। और रूसो की एक बुक आपको याद करना चाहिए, वो है आपका सोशल कंट्रैक्ट। क्या है? सोशल कंट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मॉडरेट लीडर,
इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको हम मॉडरेट लीडर के रूप में देखते हैं? तिलक है, गोखले हैं, भगत सिंह या बिपिन चंद्रपाल? मॉडरेट, देखिए इन हम लीडर को दो तरीके से डिवाइड की थी। एक होता आपका मॉडरेट, दूसरा होता आपका एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट ओके, ये दो लीडर हैं। एक होता है गर्म पंथी, एक होता है नरम पंथी। मॉडरेट ये हमेशा सोच समझ के काम, इनको आजादी चाहिए एकदम ऐसे वे में जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सोच समझ के लेंगे, कोई ऐसा वायलेंस ना हो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, वो हमेशा गर्म थे, जिसमें आपका लाल बाल पाल आ जाते हैं, लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इसके अलावा अरविंद घोष, ये सारे कहाँ आ जाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट में आ जाते हैं। मॉडरेट में कौन आते हैं आपका? महात्मा गांधी, आपका गोखले, दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा आपका एम जी राणा डे, मदन मोहन मालवीय, ये सारे कहाँ आते हैं आपका मॉडरेट में? तो इसमें पूछा क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज मॉडरेट लीडर, मॉडरेट लीडर कौन होंगे इसमें? इसका आंसर बन जाएगा आपका गोखले, क्योंकि तिलक, भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, ये सब किस में आ जाते हैं? आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। थ्रू विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड इन टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो सेकुलर जो शब्द है वो प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के जरिए उसको ऐड किया गया था? 42nd, 44th या 46th अमेंडमेंट? इसका जो सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। केवल एक ही शब्द ऐड नहीं किया गया था, सेकुलर के साथ साथ सोशलिस्ट, सेकुलर के साथ साथ आपका क्या है, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये शब्द भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। साल पूछा जाता है 1976 में। ओके, इसी अमेंडमेंट को हम इसी अमेंडमेंट को कहा जाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, 44th अमेंडमेंट एक्ट इसमें दिखने के लिए मिला है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल नंबर 31 में जो था उसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, और आज लीगल राइट की दर्जा मिला है। आज लीगल राइट जो डील्स करता है आर्टिकल 300A में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द को प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज नॉट बेस्ड ऑन, जो ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी होता है किसके द्वारा बेस्ड नहीं है? ठीक है, पुराने जमाने में जो अथॉरिटी होते थे वो किस में बेस्ड नहीं होता है? ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल एंड लॉ। देखो ट्रेडिशन के जरिए भी होते हैं, कॉस्टम के हिसाब से भी चलते थे, या आपका रिचुअल्स के आधार पे भी चलते थे, ना कि वो लॉ के आधार पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉ। आज की डेट में ना ही आपका ट्रेडिशन चलता है, ना ही आपका कस्टम, ना ही रिचुअल्स, इट बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ नाउ इट टाइम। बट इट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? ट्रेडिशनल अथॉरिटी पूछा है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।